नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा मार्केट में जो आपने ये सेकंड हाफ में काफी हैवी सेलिंग देखी क्यों हुई, एंड ऑलरेडी मैं आपके साथ इस टॉपिक पे बात कर चुका हूं वैसे, बट यहां सिंपल सी बात है, अमेरिका के बाजार में गिरावट, डाओ फ्यूचर्स करंटली नीचे ट्रेड कर ही रहे हैं। अगर ब्रॉडर सिचुएशन देखें तो अमेरिका में कंटिन्यू गिरावट हो रही है, भारतीय बाजार में कंटिन्यू गिरावट हो रही है, बैंक्स क्रैश हो रही हैं, कोलैप्स कर रही हैं, दिवालिया घोषित हो रही हैं अमेरिका की, और भारतीय बाजार में एफआईआईज कंटिन्यू बेच रहे हैं। क्या ये एक इंडिकेशन है अलर्ट का, क्या ये इंडिकेशन है बड़ी गिरावट का, इसी के बारे में बात करूंगा। एक और चीज बोलना चाहूंगा, मेरे पास एक कमेंट आया था और वीडियो जो कमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट था बट अभी मेरे को ये कमेंट ये था कि हम लोग यूएस मार्केट को क्यों फॉलो करते हैं जब हमारे पास कोई अपनी नेगेटिविटी नहीं है, तो फिर क्यों गिर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ क्लियर बता दूं स्पष्ट शब्दों में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कभी कभार ये सवाल आता होगा कि अमेरिका को हम फॉलो क्यों करते हैं। तो केवल हम नहीं, पूरी दुनिया यूएस मार्केट को फॉलो करती है क्योंकि वो सबसे बड़ी कहीं ना कहीं आप इकोनॉमी देख सकते हैं, सबसे जो स्टॉक मार्केट में जो फॉलो किया जाता है वो यूएस को मैक्सिमम किया जाता है, सब एक दूसरे से लिंक्ड है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, अगर यूएस मार्केट को देखोगे आप तो भारत की बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो केवल और केवल यूएस पे डिपेंडेंट है, तो वो सब देखते हुए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसीलिए हम फॉलो करते हैं एंड बाकी की अदर कंट्रीज भी करती हैं। अगर आप सोच रहे हो केवल हम फॉलो कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलत फहमी है आपकी, क्योंकि यूएस में जो अभी डाओ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं वो आपको यूरोप के मार्केट्स पे क्लियरली विजिबल है। हम लोग तो कुछ भी नहीं गिरे हैं, आप देखिए यूरोप के मार्केट्स देखो तो फिटसी लगभग 2.68% डाउन है इस समय, डेक्स लगभग 2.72% डाउन है, ये कोई स्टॉक नहीं इंडेक्स है ये उनके देश की। कैक की बात करें तो 3% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है आपको, यूरोप लगभग 2.5% नीचे दिख रहा है। अगर आप बेल्जियम की बात करें तो ये भी 2.5% नीचे है, रशिया लगभग 1.20% डाउन है, तो ऑलमोस्ट सब में आपको बड़ी बिकवाली और बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये सब हुआ क्या अचानक से, देखिए SVB यानी सिलिकॉन वैली बैंक प्लस सिग्नेचर बैंक, दो बैंक तो कोलैप्स कर गई, दिवालिया घोषित हो गई। उसके बाद फर्स्ट रिपब्लिक में काफी बड़ी गिरावट देखी मंडे, ट्यूजडे काफी बड़ा जंप और आज वेंसडे है, एंड इसी के चलते आज क्रेडिट स्विस जो कि बहुत बड़ी कंपनी बैंक आप कह सकते हैं, उसके ऊपर ब्लूमबर्ग की तरफ से कुछ बड़े बयान आए हैं जहां पे इनके जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है जो कि सऊदी नेशनल बैंक है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम क्रेडिट स्विस को सिंगल सेंट नहीं देंगे, अब यानी एक पैसा भी नहीं देंगे, मींस मदद नहीं करेंगे। अब ये सऊदी नेशनल बैंक है क्या, ये सबसे पहले तो इस बैंक में लगभग 10% स्टेक ओन करते हैं एंड यही वो लेंडर्स हैं जो कि क्रेडिट स्विस को पैसा लेंड करते थे, यानी कि देते थे लोन के रूप में। उन्होंने कह दिया अब हम नहीं देंगे इस बैंक को, हमें फ्यूचर नहीं सही दिख रहा है, परेशानी है। प्लस एक हैरिस एसेट मैनेजमेंट है, उन्होंने क्लियरली एक चीज उनकी नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं, इनके सेकंड जो स्टेक होल्डर है एक और जिनके पास ऑलमोस्ट 10% का स्टेक था क्रेडिट स्विस का, उन्होंने 6 महीने पहले से बिकवाली शुरू करी शेयर में और अभी से एक हफ्ते पहले यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक में उन्होंने पूरी स्टेक बेच दिया अपना, और साथ ही साथ एक कमेंट्री भी करी है कि क्रेडिट स्विस के जो रिजल्ट्स पेश हो रहे हैं वो गलत है, प्लस क्रेडिट स्विस का फ्यूचर खतरे में है और खराब है, ये दो कमेंट्री भी आई है। और क्रेडिट स्विस खुद भी मानता हुआ दिख रहा है कि हम लोग सही नंबर पेश नहीं कर पा रहे हैं, वो जो है उसमें मिस्टेक है। ये सब चीजें क्रेडिट स्विस को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खतरे में लाते हुए दिख रही हैं। प्लस इनके जो बॉन्ड्स हैं उसके डिफॉल्टर होने के चांसेस 10% से आज बढ़ते हुए दिखे हैं, और यही एक कारण बन रहा है अमेरिका के बाजार की गिरावट का। अगर आप अभी भी जो FIDIs का आज का डाटा भी देखेंगे तो वहां भी बड़ा आपको नंबर आता हुआ दिख रहा है, हालांकि आज बाइंग ज्यादा हुई है बट सेलिंग भी है। FIIs ने आज भी 1271 करोड़ का माल बेचा है और DIIs ने लगभग 1823 करोड़ का माल खरीदा है, बट ये जो सेकंड हाफ में नई खबर आई है मुझे लगता है ये कल फिर एक आपको सेलिंग प्रेशर दिखाएगी और यहाँ DIIs की बाइंग भी कम हो सकती है, क्योंकि जो सेकंड हाफ में लास्ट के आधे घंटे में खबर आई वो किसी को पता नहीं थी, सोच भी नहीं सकता था
क्रेडिट स्विस खतरे में, ये सबको पता था। इसी के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल भी आ चुके हैं और मैं भी आपके सामने कुछ पढ़ता हूं। पहले तो आपको बता दूं ये लाइफ टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है क्रेडिट स्विस का शेयर इस समय। क्रेडिट स्विस शेयर सिंक 20% टू हिस्टोरिक लो आफ्टर टॉप शेयर होल्डर रूल्स आउट मोर असिस्टेंस। लगभग 23% से ज्यादा क्रैश हो गया है अभी। अभी ओपन भी नहीं है, वो प्री ओपन में दिख रहा है। शेयर्स इन यूरोपियन बैंक्स गॉट पंबल्ड अगेन ऑन वेंसडे एज क्रेडिट स्विस प्लंग टू फ्रेश रिकॉर्ड लो आफ्टर द लेंडर्स बिगेस्ट शेयर होल्डर सेड इट कुड नॉट ट्रेड 10% स्टेक सिटिंग रेगुलेटरी इश्यूज। लगभग कुछ रेगुलेटरी इश्यूज वगैरह भी चली रहे हैं क्रेडिट स्विस के साथ। एक और चीज मैं आपके साथ यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, डाओ फ्यूचर्स मोर देन 500 पॉइंट्स गिर गए हैं एंड ये सारी चीजें अच्छी नहीं दिख रही हैं। अब आप भारतीय बाजार पे आए तो वहां मैं आपको बताऊं हमारी इंटरनल कोई इशू नहीं है। काफी लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि क्या भाई भारतीय बैंक भी हो सकती है कुछ एक आध कॉलैप कर सकती है, तो देखिए कोई दिख तो नहीं रहा है अभी। इसके पीछे रीजन मेरे को जो लग रहा है वो ये कि भारतीय बैंक और भारतीय जो इकोनॉमी है उसमें इंटरेस्ट रेट ऐसा नहीं है 6.5% बहुत ज्यादा हो गया है। हम पहले 4.25 पे थे, 6.5 हो गए, ठीक है। वो लोग 2.1 पे हैं और वो अब बढ़ रहे हैं ना, तो वहां उनकी प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट 2 पे नहीं, 0 पे थे वो, तो 0 से 4.25-4.5% एक साल में वो प्रॉब्लम का विषय बन गया। भारतीय तो ऑलरेडी पहले 4 पे थे, भी 6.5 पे हो गए, तो वो ज्यादा नहीं है, 2.5% ही है, तो इतना नहीं है। प्लस बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, प्लस नंबर्स देखेंगे तो आप हाईएस्ट एवर प्रॉफिट शो कर रहे हैं, जिसमें क्रेडिट स्विस बैंक तो ऐसी है जो पिछले 3 महीने से कह रही है कि हम कभी 9,000 एम्प्लॉइज कट कर रहे हैं, ले ऑफ कर रहे हैं, तो वहां प्रॉब्लम थी। अब मैं आपको भारत के अगर कुछ टेक्निकल लेवल्स के ऊपर बात करें तो निफ्टी आज 17,000 के नीचे क्लोजिंग देता हुआ दिखा, जो कि नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा। एंड निफ्टी की बात करें अभी तो 16,852 पे शो कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी, तो ये काफी बड़ी गिरावट होती हुई दिख रही है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलूंगा, सावधान रहें, अभी फ्रेश बाइंग ना करें तो बेटर रहेगा। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।